दोस्तों आज मेरे पास है Vivo V25 5G, वन ऑफ द बेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन इन अवर इंडिया। दोस्तों अगर आप एक Vivo स्मार्टफोन के फैन हैं और आपका बजट 25,000 से 30,000 के बीच में है तो आपके लिए शायद बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में इसका मैं कैमरा टेस्ट करूंगा, गेमिंग भी करने वाला है और फुल डिटेल रिव्यू होने वाला है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स रोल द इंट्रो। सो बॉक्स आपको काफी प्रीमियम मिल जाता है, मुझे बॉक्स की क्वालिटी काफी अच्छी लगी। पीछे की तरफ देखे तो ये जो मेरे पास वेरिएंट है वो 8GB रैम वाला है 128GB स्टोरेज के साथ। नीचे आपको थोड़ी बहुत पुस्तकें मिल जाएगी। यहाँ पर आप 44W का सुपर बुक चार्जर देने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक USB A to C टाइप केबल है, काफी अच्छी क्वालिटी की है। और ये हार्ड शेप में आपको सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है। मुझे Vivo V25 का डिजाइन मुझे काफी पसंद आया पर्सनली, आपको कैसा लगा वो कॉमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सो ये जो पीछे आप देखते हैं वो ग्लास है, मैट फिनिश के साथ आया है, उसकी फिनिशिंग काफी अच्छी है, मुझे काफी पसंद आई। तो आप देख सकते हैं कि कैमरा बम्प इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं जो कैमरा बम भी जो वो फिनिशिंग दी गई वो भी ग्लास की है। आपको फ्रेम ग्लास की नहीं मिलती लेकिन आपको फ्रेम प्लास्टिक की मिल जाती है, ये प्लास्टिक की फ्रेम है, देखने में काफी प्रीमियम नजर आता है। सो राइट साइड देखे तो आपको वॉल्यूम रॉकर बटन एंड पावर बटन देखने को मिल जाता है, ऊपर की तरह आपको सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाएगा। नीचे देखे तो आपको लाउड स्पीकर देखने को मिल जाता है, USB Type-C 2.0 मिल जाता है, सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा एंड सेकेंडरी माइक यहाँ पे दिया गया है और लेफ्ट साइड पूरी ही खाली है, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो चलिए इसमें चेक करते हैं कि आपको इसमें हाइब्रिड स्लॉट मिलता है कि डेडिकेटेड स्लॉट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको हाइब्रिड स्लिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ब्लू रबरिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि ये स्मार्टफोन IP54/Splash-Proof के साथ आता है। थोड़े बहुत छींटे पड़ेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। ये जो मेरे पास वेरिएंट है वो सर्फिंग ब्लू कलर में है और दूसरे दो कलर वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं, एलिगेंट ब्लैक कलर एंड सनराइज गोल्ड कलर। सो पर्सनली मुझे सर्फिंग ब्लू कलर ज्यादा पसंद है। और जो ये बैक पैनल है वो कलर चेंजिंग पैनल है, इसमें आपको कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। आप जब भी सनलाइट में जाएंगे तो ये अपना कलर अपने आप ही चेंज कर देता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6.44 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। सो प्राइस के हिसाब से इसकी डिस्प्ले काफी अच्छी है। इसमें आपको HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है, वाइड बैंड L1 का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आप Amazon या Netflix पर आप फुल HD स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। अगर इसके पीक ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो इसमें आपको 1300 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, लेकिन एक चीज की मुझे कमी लगी, इसमें आपको कॉर्निंग गोल्ड या ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 900 चिपसेट देखने को मिल जाती है, जो कि थोड़ी पुरानी हो चुकी है लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसका Antutu स्कोर तकरीबन 417,000 तक आता है, जो कि मैं कहूंगा डिसेंट है। सो इसमें आप गेमिंग काफी अच्छे तरीके से सर्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है और इस प्रोसेसर के साथ आपको माली G68 MC4 GPU देखने को मिल जाता है। सो इस स्मार्टफोन में मैंने फ्री फायर मैक्स पर खेल के देखी, आजफायर 9 भी इंस्टॉल करके खेली, काफी अच्छा रिजल्ट निकल के आया, क्योंकि मुझे किसी भी तरह का लैग नजर नहीं आया और ये फोन हीट भी इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड कूलिंग सिस्टम काफी अच्छे तरीके से वर्क करती है। इसका सीपीयू थ्रॉटलिंग भी 80% तक जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। सो मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस वाइज और डे टू डे लाइफ यूजर्स के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर है, ये आपको वीक तो बिल्कुल नहीं फील होगा। तो ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है, इसमें आपको फन टच 12 OS देखने को मिल जाएगा। तो इसका UI काफी अच्छा है लेकिन मुझे इतना ज्यादा स्मूथ फील नहीं हुआ है, थोड़ा ऑप्टिमाइज करना चाहिए था। आप जब 28,000 का फोन खरीदे तो आपको एनिमेशंस काफी अच्छे मिल जाते हैं, इसमें भी आपको एनिमेशंस अच्छे मिल जाते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े बेटर होने चाहिए थे। इसके स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 8GB LPDDR4X रैम देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ इसमें आपको 128GB रोम देखने को मिल जाएगा और स्टोरेज टाइप आपको UFS 3.1 मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसमें आप 8GB तक वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं। सो अब बात करते हैं इसके कैमरा मॉड्यूल के बारे में, तो इसमें आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 64MP का प्राइमरी लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2MP का आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको ड्यूअल LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। सो मैं कहूंगा कि प्राइमरी लेंस इसका काफी अच्छा है, फोटोज डिसेंट निकल कर आते हैं, थोड़ी वार्म टोन नजर आती है लेकिन मुझे कलर्स थोड़े आर्टिफिशियल से लगे, थोड़े पॉपअप होकर निकल कर आते हैं और आपको पता ही है कि वीवो में आपको कलर्स थोड़े आर्टिफिशियल जरूर लगते हैं। ओवरऑल जो फोटो की फील है वो इंस्टाग्राम रेडी, यानी कि आपको फोटो को इतना ज्यादा एडिट करना नहीं पड़ेगा, आपको प्रोसेस इमेज ही इतनी अच्छी मिल जाती है कि आप डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर फेसबुक पर आप इसे डाल सकते हैं। सो इसका पोर्ट्रेट मोड मुझे काफी पसंद आया, थोड़े बहुत स्मजेस देखने को मिल जाता है लेकिन वो नेग्लिजिबल है, इतने ज्यादा स्मजेस देखने को नहीं मिलते। सो प्राइमरी लेंस में आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा वर्क, इसमें आपको दो स्टेबिलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, स्टैंडर्ड एंड अल्ट्रा स्टेबिलाइजेशन।
और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ फुल HD 60 FPS पर। मैंने अल्ट्रा मोड ऑन रखा हुआ है जिससे कि आपको स्टेबिलाइजेशन का पता चल जाएगा। मैं अभी चल रहा हूँ तो मुझे फुटेज काफ़ी स्टेबल लग रही है और ओवर एक्सपोज भी नहीं हो रहा। शाम का वक्त है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उत्तरण का माहौल है। तो 14 तारीख को यहाँ उत्तरण है तो काफ़ी अच्छा माहौल है। चलिए थोड़ा भाग के देखते हैं। तो फुटेज काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। सो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 4K 30 FPS पर स्टैंडर्ड स्टेबिलाइजेशन के साथ। अभी मैं चल रहा हूँ तो आपको स्टेबिलाइजेशन का अंदाज़ा लग जाएगा। मुझे फुटेज काफ़ी स्टेबल लग रही है, कलर्स थोड़े आर्टिफिशियल लग रहे हैं लेकिन फुटेज काफ़ी स्टेबल है। 4K में भी आपको स्टेबिलाइजेशन काफ़ी अच्छी मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये फुटेज अल्ट्रा वाइड की है Full HD 30 FPS पर, और अल्ट्रा वाइड में भी आपको सेम रिजल्ट मिलता है। आर्टिफिशियल थोड़े कलर्स लगते हैं, कलर्स थोड़े बूस्ट होकर निकल कर आते हैं लेकिन मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी फुटेज आती है। सो अभी मैं चल रहा हूँ तो आपको स्टेबिलाइजेशन का थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। स्टैंडर्ड स्टेबिलाइजेशन मिलेगी आपको, अल्ट्रा तो नहीं मिलेगा। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ सिनेमेटिक मोड में Full HD 30 FPS पर। तो स्टैंडर्ड स्टेबिलाइजेशन आपको मिल जाती है, अल्ट्रा स्टेबिलाइजेशन आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए इसका जूम टेस्ट करते हैं। तो अभी मैं 2x पर, ये है 3x, 5x एंड ये है 10x। तो आप देख सकते हैं आपको कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी 10x जूम में। मैं कहूँगा कि 10x जूम में जो क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दूर है, मैं अभी जूम को वापस करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा दूर थे आप देख सकते हैं। सो अल्ट्रा वाइड की बात करें तो अल्ट्रा वाइड से जो फोटोज निकल कर आते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। सेंटर में जो डिटेल्स है वो काफ़ी अच्छे, लेकिन एजिस पर डिटेल्स थोड़ी कम लगती है। HDR फोटोज काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं और मैं कहूँगा इसमें भी आपको थोड़े आर्टिफिशियल कलर्स देखने को मिल जाते हैं। और अल्ट्रा वाइड से आप 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर कर पाएंगे। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो अल्ट्रा वाइड से आप Full HD 30 FPS तक शूट कर पाएंगे। सो अब बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरा के बारे में। सो सेल्फी कैमरा आपको मैसिव 50 MP का मिल जाता है और ये कैमरा आई ऑटो फोकस के साथ आता है। सो सेल्फी कैमरा से जो फोटो निकल करता है वो काफी डिसेंट है, स्किन टोन काफी नेचुरल नजर आती है, डायनेमिक रेंज मैं कहूंगा काफी अच्छी है स्मार्टफोन की। सो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ Full HD 60 FPS पर और मैंने सुपर स्टडी मोड ऑन रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी चल रहा हूँ, फुटेज थोड़ी नैरो हो जाती है लेकिन स्टेबिलाइजेशन काफ़ी अच्छी है। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 4K 30 FPS पर और 4K में आपको स्टेबिलाइजेशन नहीं मिलेगी लेकिन फुटेज काफ़ी वाइड हो जाती है। आप देख सकते हैं इतना वाइड है, काफ़ी अच्छी फुटेज आ जाती है। ओवरऑल फोटोज की फील काफी अच्छी है। सो ओवरऑल बात करें तो प्राइस के हिसाब से इसका कैमरा काफी पसंद आया मुझे। मैं कहूंगा कि वीवो को कलर्स पर थोड़ा काम करना चाहिए क्योंकि कलर्स थोड़े आर्टिफिशियल से लगते हैं, थोड़े पॉपर होकर निकल कर आते हैं जो दिखने में तो काफी अच्छा है लेकिन वो ओरिजिनल फील नहीं आती जो वीडियोज में आती है। सो अब लास्ट में बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसमें आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। अगर आपका यूजेज नॉर्मल है तो आपको 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर आप 1 से 2 घंटे गेमिंग करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, इंस्टाग्राम पर या YouTube पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको तकरीबन 1 दिन का तो बैटरी बैकअप मिल ही जाएगा। और इसे चार्ज करने के लिए आपको 44 वॉट का चार्जर देने को मिल जाता है। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कि Vivo V25 एक काफी अच्छा स्मार्टफोन है। सो अगर आप ये स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो पुजारा स्टोर की मैंने एड्रेस दिया हुआ है और कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप जरूर चेकआउट कीजिए। सो ये था फुल ऑन डिटेल वीडियो अबाउट Vivo V25। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको फोन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे कि मेरी चैनल थोड़ी ग्रो हो सके, क्योंकि जल्द ही मुझे 1000 सब्सक्राइबर गेन करने हैं। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और मैं भी अब एंगेजिंग वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता है कि मैं अकेले ही शूट करता हूँ, स्क्रिप्टिंग एडिटिंग में अकेले ही करता हूँ। सो वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, मैं टाइम पर वीडियो नहीं बना पाता। सो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।